और अगर नहीं कर सकते शादी, अगर बाद में आपको ये पता चलता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी या कोई भी वजह आ सकती है, तो फिर आप मत करो। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सामने वाली लड़की का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मेरी फीलिंग्स बाकी इसी तरह की थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हुई भी थी और मैंने जैसे ही निकाह के पेपर साइन किए तो मैं आंसू मेरे निकल रहे थे। नहीं, निकाह से पहले यार, अभी तो सिर्फ रिलेशन है ना, जब निकाह होगा ना फिर देख तेरे साथ क्या होगा। दो बार उनसे मिल लो, तीसरी बार उनकी जेब में पैसे नहीं होते। ऐसी इतनी मिसालें हैं यार। तो वही है, मतलब सोशल मीडिया के टारगेट किया। हाँ, ये मैंने टारगेट किया। नीच लोग होते क्योंकि अब हजीरा व्लॉग्स चल गए ना। हाँ। तो लोगों को ऐसा होता होगा यार हजीरा और हमजा, और ये नहीं भी चलते ना, कुछ लोगों की लिस्ट में ऐसे नाम लिख लिए साइड पे कि इनको कभी वो वाली अटेंशन नहीं देनी है, कभी भी नहीं देनी। हे गाइस, सो वेलकम टू द यूटी शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक कपल है, ठीक है। अभी न्यूली निका हुआ है इनका, न्यूली वेड भी बोल सकते हैं यार इनको, और आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा छाए हुए हैं दोनों के दोनों। तो वो हैं हजीरा और हमजा। और यार तुम दोनों का चैनल लोग कम है पीछे ताली बजाने वाले, हम भी बजा लेते। यार तुम लोगों का चैनल किस नाम से आजकल फेमस हो रहा है ये तो बताओ। आजकल नहीं, शुरू से एक ही नाम से फेमस हो रहा है, ये कैसा सवाल है? एक सेकंड, शुरू से क्या? निकाह तो अभी हुआ है ना, तो मतलब जब से बना है जिंदगी का ये पहला चैनल इसका। हां, तो अभी वो किस नाम से जा है ये तो बताओ। हमजीरा व्लॉग्स लास्ट भी सब्सक्राइब नहीं करना सीधे हाथ से, ये सही है। अपने चैनल का प्लग कर दो फौरन, हमजीरा व्लॉग है। नहीं यार, अच्छी बात है। तुम लोगों का निकाह जब मतलब लाइक हुआ, ठीक है, क्या उस वक्त क्या तासुरात थे, फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? फीलिंग्स क्या थी यार, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये क्यों में क्यों नहीं था। ये सवाल बहुत अच्छा है। खैर, मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ। मेरी फीलिंग्स ये थी कि मैं वाकई में निकाह के पेपर जब साइन करता था, हर बंदा बोलता है कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, बंदा थोड़ी सी फीलिंग्स अलग, लेकिन मेरी फीलिंग्स वाकई इसी तरह की थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हुई भी थी और मैंने जैसे ही निकाह के पेपर साइन किए तो मैं आंसू मेरे निकल रहे थे और वो किसी ने कैप्चर ही नहीं किया। वो प्रॉपर रोने वाला तो कैप्चर करता है, तो इस बात का दुख है। तो जाहिर सी बात है, उसको उस चीज को भी मैं कैश कर लेता ना। लड़के शेयर कर करके बोलती हमें भी ऐसा मिल जाए। अरे ये वैसे अच्छी चीज है। हाँ, जैसे तुम दोनों की सबसे ज्यादा वो वीडियो वायरल हुई थी वो गन वाली, तो ये अच्छा टाइम था, मुझे अच्छा लगा। तुम अपनी फीलिंग्स बताओ। मेरी फीलिंग्स तो बहुत बहुत मिक्स थी और काफी, मतलब मुझे तो बहुत दिन से ही बहुत अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। एक दिन पहले तक भी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझसे मतलब कुछ खाया नहीं जा रहा, बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग थी। लेकिन मैंने सोचा था, अच्छा मैं शुरू से सोचती थी यार निका होगा मेरा, मैं तो मतलब खुशी खुशी साइन करूंगी और कबूल है कबूल है कबूल है बोलूंगी। लेकिन उन्होंने देखते बोला फजूल है। बस उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया और मैं जो रोई हूँ, सारी मेरी पिक्चर्स है रोने वाली। हाँ, मैंने देखे सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं, वीडियोस भी इसकी सिर्फ रोने वाली ही है इसकी ना, ये रो रही है। लेकिन क्यों इतना रोना? अच्छा वैसे लड़कियों को genuinely इतना रोना आता है, लोग कैसे रोना आता है? मैं सबको देख के सोचती थी कि ना यार ये लोग कैसे मतलब निकाह पे क्यों रो रहे हैं यार, खुशी की चीज है ये वो, लेकिन नहीं रोना आ जाता। अच्छा, वो खुशी के आंसू होते हैं या वाकई कोई अजीब सी? मेरे तो खुशी के थे। लेकिन कोई अजीब सी फीलिंग नहीं होती है क्या? मुझे कोई अजीब सी फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे तो बहुत, मैं तो बहुत खुश थी। मतलब हम दोनों की फीलिंग ये थी कि फाइनली अब हो गया, सही है। अच्छा लाइक वैसे तो तुम लोग अपना सोशल मीडिया के थ्रू बता ही चुके हो कि तुम दोनों कब मिले थे, कैसे मिले थे, तुम भी पूछ लो, खैर हो गए, दोनों की ऑडियंस अलग है। वही तो करने जा रही थी अभी कि यार मुझे बताओ तो सही कि मतलब तुम लोग कब मिले थे और ये ऑडियंस को बताओ कि कब मिले थे, कैसे, क्या निकाह की पहले की जर्नी बेसिकली क्या थी, तू बता बल्लू। तो भाई हम लोग इंस्टाग्राम पे, हमारी दोस्ती हुई थी, मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस टाइम म्यूजिकली वगैरह बहुत चलता था, तो मैंने इसकी एक वीडियो देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने फॉलो कर लिया। भाई इन्होंने भी फॉलो बैक दे, अच्छा इसने पहले मुझे इसे देखा, उसके बाद इसने मुझे ना टिकटॉक वगैरह नहीं, म्यूजिकली पे जाके इसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, फिर इसने मुझे फॉलो किया। बहुत मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी, स्टोरीज पे रिप्लाई वगैरह हो गए, इतना कोई खास नहीं था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारी बात वगैरह भी स्टार्ट हो गई, थोड़े टाइम बाद ही, बहुत जल्दी जल्दी बात स्टार्ट हो गई थी ये, क्योंकि ये बना लेता था जल्दी जल्दी ना दोस्त अपने, तो इसने दोस्त बना लिया। भाई अब हम दोस्त हो गए, हम वैसे होते होते बात होते होते 2x लगता है शो पे। मुझे पता था, तो बोल लो ना। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, बोलने दो ना। बोलो, क्या बोलो, तुमको क्या मसला? अच्छी बात है, क्यों क्यों कर रहे हो? बोलो यार हजीरा, बोलो। मैं ऐसे करता हूं इसके साथ। बोलो बोलो बोलो।
फिर तो बस फिर ऐसे हमारी बात वगैरह स्टार्ट हुई. फिर माइंड था हम दोनों का ही कि भाई हमने करने है, क्योंकि इसको दिख गया था कि हाँ भाई यही है जो मुझे संभाल सकती है. दिख गया था, अपना नहीं बता रही है कि सबको मुझे सब बोलते थे, कहते थे इसको सिर्फ तुम संभाल सकती हो, इसको सिर्फ तुम संभाल सकती हो. और लेकिन अच्छा तो ये तुम्हें मुझे संभालना मुश्किल नहीं है बस भाई, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं नाराज नहीं होती, तो मुझे क्या कोई संभालेगा रिलेशनशिप्स में ज्यादातर ये चीजें. ये कितनी अच्छी बात है, कैसे धन्य है वैसे. हाँ, ये बहुत इजी टू हैंडल है, बहुत ज्यादा. हाँ, गुस्सा नहीं आता ज्यादा. अल्लाह मियां की गाय है ये. ऐसे मत बोलो, घर वाले मारेंगे. घर वाले सच्चाई पता होगी ना, घर वाले बहुत परेशान है भाई. कहती है नहीं यार, मामा तो कहती है इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ. तो ये सिर्फ तुम्हारे सामने ऐसी होगी ना, अभी तो ये निकाह के बाद. यार नहीं, वैसे मैंने ना काफी लोगों से सुना था कि यार जैसे लोगों को ना बस लोग कंपेयर करते हैं अपनी ना खराब लाइफ से आपकी खराब लाइफ. ये बहुत सही है कि यार ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे देख तेरे साथ क्या होगा. भाई अगर एक बंदा उस फेस को अच्छी तरह स्पेंड कर रहा है उसको करने दो. नहीं, निकाह से पहले यार अभी तो सिर्फ रिलेशन है ना, जब निकाह होगा ना फिर देख तेरे साथ क्या होगा. यार अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद भी जैसे मैं दोस्तों का मजाक उड़ाता था कि यार तुम्हें कहीं बैठना पड़ता तो तुम पहले तस्वीर भेजते हो कि मैं यहाँ बैठा हुआ. मैंने कहा मेरे साथ नहीं होता, तो कहते थे निकाह के बाद ना एक चेंज आता है लड़की में कि वो करती है थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है. लेकिन ये तो नहीं होगी. हाँ, लेकिन ये हाँ वैसी है. एक दो दफा मैंने कहा मिलने आओ या मिलते हैं या कुछ ऐसा होगा ना, तो कहता है मत करो, दोस्तों के साथ बैठा हुआ इज्जत है मेरी. यार वैसे लेकिन अच्छा तुम्हें वैसे क्या लगता है हमजा, कि जो लोग एक चीज पे डराते हैं, जीरा से भी पूछूंगी कि यार अब शादी कर लोगे तो अब ये हो जाएगा, सोच लो शादी के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट को तुम लोग क्या कहते हो कि ये वाकई रियल है या गलत है? लोगों की ये सोच होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जिस फेज में आप हो या आप गुजर चुके, जरूरी नहीं है कि अगला भी उस फेज में उसी तरह गुजरे, क्योंकि आपका और उसका पार्टनर को सेम तो नहीं है ना, या आपका लाइफ उस तरीके से तो नहीं चल रही ना जैसे उसकी चल रही है. हो सकता है जिस टाइम पीरियड को आपने बिल्कुल भी इंजॉय ना किया उस टाइम पीरियड को उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. और हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशंस निकाह से पहले बहुत खराब होते हैं, निकाह के बाद अच्छे हो जाते हैं. कुछ लोगों के निकाह से पहले अच्छे तो निकाह के बाद खराब हो जाते हैं. तो ये तो एक साइकिल है जो चल रहा है और हर किसी के डिफरेंट है भाई. हम किसी को अपनी लाइफ से दूसरी की लाइफ को कंपेयर करके और ये नहीं बोल सकते कि यार अभी तुम्हें कुछ नहीं पता आगे और ज्यादा खराब होगा. नहीं भाई, अच्छा होगा और अच्छे की बंदा उम्मीद रखते हैं. तो लाइफ चेंज होती है. तुम दोनों की तो बहुत माशाल्लाह से हुई यार, तुम तरक्की तो पाई है तुम दोनों ने यार, ऐसी बात नहीं करो, पाई तो है, सक्सेस तो माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक चीज देखी है कि अल्लाह ताला ने वाकई निकाह में एक चीज की बरकत रखी है कि मतलब आपकी लाइफ ना, अगर आप अपने उस रिलेशन के साथ ऑनेस्ट हो तो आपकी लाइफ एक बहुत सीधे ट्रैक पर आ जाती है। और ये चीज मैंने अपने साथ देखी है कि जैसे मैं बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने विद इन अ मंथ मैंने देखा कि मैं निकलता गया उन चीजों से, बहुत सारी चीजें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मतलब मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर लोग इस वजह से निकाह या शादी नहीं कर रहे कि यार बरकत नहीं होती. यार मेरा रिसेंटली पेज बंद हुआ है, मतलब अभी की बात है, मेरा पेज बंद हुआ है, मेरे चलते हुए एक बिजनेस बंद हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और जराए निकाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है वो चीज. मेरी वो चीज रुकी नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि यार निकाह के बाद मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो तो बढ़ जाती है. अरे तुम तो यहाँ पे जो नई जनरेशन है जो बेसिकली जो लड़के नहीं करते, नहीं नहीं मतलब बच्चे, अभी हमसे तो छोटे और भी बच्चे होंगे ना, बच्चे आजकल ज्यादा बड़े हो गए हैं. हाँ ये बात है. हाँ, दो दो हाथ आ गए हैं बच्चे, ये तो है. लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों का ये एक सोच एक साइकी है कि नहीं यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक चीज है पैसा ये वो, तो वो चीज को तुम अपने हिसाब से कहते हो कि नहीं तुमने तो वो चीज नहीं देखी. लेकिन अगेन तुमने वो बात की कि यार तुम्हारे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ ऐसा. हाँ, तो लेकिन यार वही बात है ना कि देखो एक चीज अगर मैं थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो एक चीज अगर रिलीजियस बेसिस साबित है ना तो उसमें मैं और आप डिबेट नहीं कर सकते कि यार नहीं वो फेस तुम्हारा ऐसा नहीं होगा. जैसे मैं बोलूं कि यार निकाह के बाद बरकत होती है तो बोलोगी नहीं होती. हाँ, तो ये तो डिबेट ही गलत है, बिल्कुल गलत है. क्योंकि अगर तुम मुसलमान हो तो एज ए मुस्लिम आपने इस चीज पे बिलीव रखना है कि आप निकाह के बाद बरकत तो मिलेगी. और दूसरा इस चीज के ऊपर यकीन रखना है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है. ये इसकी सोच फिर भी नहीं थी लेकिन मैं इसको हमेशा से एक चीज समझाता हुआ आ रहा हूँ कि यार जो होता ना खैर हो गई. कुछ भी होता नहीं बोलती यार, हम तो ये मैं बोलता हूँ खैर हो गई, अच्छा ही होगा यार, इतना तो उसका बनता है. अब गुस्सा नहीं करती, अब उसका ये भी नहीं बनता कि थोड़ा सा तुम्हें पैनिक करके बोले. बनता है भाई, मतलब ना कुछ बनता है ना गुस्सा होती है. अब इतना भी अगर थोड़ा बहुत पैनिक करके बोल रही तो उसका इतना तो बनता है ना यार, मतलब इतना तो उसको अब दो ना. इतना तो हजीरा तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए निकाह के बाद? यार मैं मेरी लाइफ में आए हैं बहुत चेंजेस. मतलब मैं पहले मैकडॉनल्ड्स हफ्ते में दो दिन खा रही थी, अब एक दिन खा रही है.
दिखाने नहीं देता यार, तुम चुप क्यों नहीं कर रहे, उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे? बताओ बताओ बताओ। मेरा ऐसा कोई मतलब वैसे तो कोई नहीं आया चेंज, लेकिन ये है कि इसके अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, मुझे लेकर बहुत चेंज हुए हैं। मतलब अगर कहूँ तो बहुत अटेंशन दे रहा है मुझे, मुझसे बात बात करना, मतलब बात तो खैर करता था लेकिन हो गया ना तुम्हारा, और मतलब बेगम बेगम भी कहना, तो वो चीज मतलब अच्छी लगती है फिर सुन के भी ना कि हाँ यार, मतलब जिस चीज को मैं सोचती थी, और मतलब बहुत ज्यादा ऐसे भी मतलब आए हैं दिन के मैं सोचती थी यार पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, तो फिर अब वो जब चीज होती है तो उस चीज की तो फिर खुशी होती है। हाँ ये तो है यार, और जाहिर है खुशी होगी भी, क्योंकि आपने यार हर लड़की का, मैं कहती हूँ ये पाकिस्तानी सोसाइटी जो है एक कहीं ना कहीं हर लड़की की एक साइकी होती है, और खुशी भी होती है यार शादी जो अच्छे अच्छा लड़का फिर। हाँ और शादी का बहुत शौक है आजकल लोगों को भाई, नहीं एटलीस्ट यार मतलब हर इंसान भाई क्यों ना करे, अब बुढ़े हो गए शादी करें क्या, शादी का शौक तो नहीं, मगर एक दिल में तो है ना कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुरी बात नहीं है। हाँ आजकल लोग इतना बैश करते हैं, सबको कहते हैं देखो जरा दुल्हन होके ये कर रही है दुल्हन होके, भाई आप लोगों की खुशी में खुश होना। और अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो शादी करना तो उल्टा अच्छी बात है ना यार, बाकी काम से अच्छा है कि भैया आप हलाल की तरफ छोटे उम्र में शादी कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि बच्चे हैं और शादी कर ली, अरे तो कर ली उन्होंने अपनी एक रिलेशन को हलाल किया है और अच्छी बात है। और यार तुम लोगों लोगों का आजकल मूव ऑन की डेफिनेशन ये है कि एक बंदा निकला दूसरे बंदे के साथ, एक बंदी छोड़ी एक दूसरी बंदी के साथ, मूव ऑन करना ये नहीं होता, मूव ऑन करना या तो ये होता है दूसरे में पहले चले जाते हैं। दैट्स ट्रू, ये है आजकल लोगों का, ये है कि लोग हलाल काम की तरफ जाने से पहले जरूर डरते हैं और ये रिलेशन फौरन चेंज करने में स्विच करने में उनको टाइम नहीं लगता, ये तो यार है। और लेकिन खैर तुम लोग सब चीजें छोड़ो, ये बताओ कि यार ये तुम लोगों ने हमजीरा ब्लॉग्स का कहाँ से सोचा, क्यों सोचा कि भाई ये करना चाहिए? हमने ऐसा मतलब चैनल बनाने का सोचा नहीं था, इसने निकाह वाले दिन खुद ही मतलब सुबह में उठा, भाई तुमने सोचा तुम बता दो। हाँ निकाह वाले दिन मैंने मैंने बोला यार तुम कम बोल रही हो तो बोलो। निकाह वाले दिन मैंने ऐसी वीडियो बनाई, मैंने कहा कि यार एक अच्छा दिन है उसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग तो मैंने इससे पहले कभी ना ट्राई की थी ना कभी मुझे आती थी ना कोई चैनल था हमारा, तो मैंने ऐसी उस दिन मैंने पहली जब स्टार्ट किया उसी में मैंने यही बात बोली, मैंने कहा यार मुझे नहीं आता तो कुछ भी गलती हो जाए ये वो करके, और मैंने बोला मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो मेरा दिन है वो मैं अपने 10-12 मिनट में उस चीज को अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना चाह रहा हूँ जो मुझे हमेशा सेव रहे हमारे पास, क्योंकि आपको पता है यार वीडियोस बनती है डिलीट हो जाती है सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक ब्लॉग की तरह अगर एक चीज बन जाए ना, हाँ तो वो चीज, और वो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हमने उसमें सारी ली है, ऐसा कोई तो मजा आया। स्टार्ट वहां से हुई, और हाँ, जब वो स्टार्ट वहीं से हुआ, फिर हम घर आए रात में डिसाइड हुआ, मैंने कहा कि यार चैनल बना लेते हैं, हम दोनों तो बाहर मिलते रहते हैं व्लॉग्स वगैरह बना लेंगे। डिसाइड नहीं हुआ, इसे चैनल बना लिया, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज रहा है। हाँ फिर इसने बोला कि मैं भी ये बोलने वाली थी। वाह यार ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारी ये थॉट प्रोसेस तुम्हारा था यानी इसके पीछे भी यार अच्छी बात है, बिहारी तुम्हारा दिमाग चला कि नहीं यार दिमाग बहुत चलता है ये अगेन बिहारी दिल से बिहारी नहीं यार अच्छा कभी ये निकाह से पहले रिश्ते विश्ते को लेके कोई इशू हुआ कि हमजीरा के अम्मा अब्बा को मनाने के लिए डिफिकल्टीज हो रही हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यार वही बात है, मैंने अभी एक अपने Q&A भी बताया था, सब देख लेना तो नहीं उसमें मैंने यही चीज डिस्कस की, आपकी आप जिस फैमिली में जा रहे हो या जिस फैमिली से लड़की लेकर आ रहे हो उनका या तो माइंडसेट सेम होना चाहिए, सही है, या तो फिर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल तो सेम किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, सही है, एक बिल्कुल समझ लो एक क्लास में भी फर्क आ जाता है, बहुत सारी चीजों में फर्क आता है, तो उसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है ना तो फिर ऐसे घर में रिश्ता करने से आप 100 बार सोचो, क्योंकि आप जिस लड़की को लेकर आ रहे हो वो सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगी, वो आपके घर वालों के साथ रहेगी, ठीक है, और चलो आपके घर वालों के साथ ना भी रहे आपके बच्चे होंगे कुछ भी होगा ना तो वो उसकी माँ होगी, हाँ। आगे का सोचो ना, आप सिर्फ ये सोचते जब तक अच्छी लग रही है, फ्लेक्सिबल लगी कि हाँ हजीरा एक तो माइंडसेट भी सेम है, माइंडसेट सेम है, मतलब कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज ना आज तक मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हजीरा ये चीज मुझे बुरी लग रही है तुम नहीं करो, और 4 साल हो गए 5 साल हो गए इससे पूछो कभी मैंने इसको ये नहीं बोला तुम ये नहीं करो मुझे बुरा लग रहा है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, एक होता जरूरत पड़ रही हो मैं चुप बैठा हुआ हूँ, नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारी कोई अच्छाई नहीं हुई हजीरा की अच्छाई, यही बात कर रहा हूँ इसकी ड्रेसिंग को लेकर,
इसकी किसी भी चीज को लेकर, मतलब मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ या मुझे ऐसी चीज नहीं हुई कि यार ये चीज ऐसे से ऐसे करेगी तो। वैसे यार मोस्टली पार्टनर्स को ज्यादातर इशू होता भी नहीं है आपस में इतना ज्यादा, जब तुमने उसको पसंद किया था तो कुछ सोच के ही पसंद किया होगा ना यार, ऐसे तो नहीं। और मैंने काफी सारी चीजें देख के पसंद किया, साफ बात है जो मैं चीजें बोलता हूँ, मैं ये चीज भी देखता हूँ कि भाई वो फैमिली में एडजस्ट हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आजकल ये भी सोचती हैं कि हमारी शादी हो रही है भाई हमारा जो लेना देना है हमारे शोहर से, नहीं आपके शोहर से नहीं, फैमिली से होता है, आपका रिश्ता जुड़ रहा है आपका, अगर वो शोहर है तो फिर आपके दो लोगों की रिश्ता जुड़ रहा है। दो लोगों की शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का रिलेशन नहीं होता, उसमें दो फैमिलीज का रिलेशन होता है। और आजकल का माइंडसेट इतना लिबरल हो गया कि वो बोलते हैं बस हम दोनों हैं, बस हम दोनों हैं, उसमें लड़के ने भी अपने माँ बाप को छोड़ा हुआ है, लड़की ने भी अपने माँ बाप को छोड़ के बैठे हुए हैं, बस हम दोनों हैं। और मैं ये नोट कर रही हूँ कि आजकल अच्छा लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को बहुत छोड़ देती हैं, कि जब लड़का मिल गया है और लड़के की फैमिली मिल गई है लड़की को छोड़, मतलब लड़की अपने घर वालों को छोड़ देती है। अक्सर लड़कियां जो है ना हमारी पूछती नहीं है माँ बाप को पीछे मुड़ के, वो इसलिए क्योंकि अब तो भाई वो ससुराल का ही है कॉन्सेप्ट और वो सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि नहीं ना लड़कियों को छोड़ना चाहिए ना लड़कों को, दोनों को एटलीस्ट भाई ठीक है आप दोनों हो अलग अलग, लेकिन अगर आप अलग भी रह रहे हो तो माँ बाप को टाइम देना भी जरूरी है, क्योंकि देखो वैसे तो कोई ज्वाइंट फैमिली का है भी नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अगर आप सेपरेट रह रहे हो खुश रह रहे हो, बट आपको अपने माँ बाप को टाइम देना बहुत जरूरी है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। तो ये है कि तुम लोग शादी के बाद फिर मतलब शादी की प्लानिंग कब है तुम लोगों की? खुशखबरी हाँ कि अब बस हजीरा और हमजा जो है अब शादी कर रहे हैं इस साल इंशाल्लाह। सही है। तो अच्छा इतने सारे सवाल के सारी चीजें पूछी यार, मैं पूछती हूँ कि वैसे तुम लोगों को क्या बोलना चाहोगे दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप पार्टनर में कुछ ढूंढ के करो या एटलीस्ट मतलब लाइक जनरेशन में एक चीज आ गई है कि से लड़कियां पार्टनर्स तलाश करती हैं, लड़के पार्टनर्स तलाश करते हैं, या अगर लव शव हो भी जाए पसंद हो भी जाए तो आपस में उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, या कुछ मतलब झगड़े ये वो शादियां नहीं हो पाती, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, जो वजहें उन सब चीजों की, तो तुम लोग क्या कहोगे कि मतलब क्या है तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पार्टनर लोगों को अपनी सजेशंस क्या दो? यार दो चीजें होती हैं, जैसे लड़कियां आजकल कुछ लोग उन लोगों को उन लड़कियों को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तुम पैसे वाला क्यों देख रही हो, कुछ इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं गरीब भी है तो क्या हो गया वो भी तो किसी घर का है ये है वो। मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप कभी ये नहीं देखो कि अमीर है गरीब है, दो चीजें एक अलग चीज होती है, एक होती है लेजनेस हडर्मी वो कुछ करना ही नहीं चाहता, और एक होती है हसल कि उसके अंदर हसल है बढ़ने का, तो फिर वो बंदा वो गरीब भी होगा ना वो एक वक्त में आके कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा, आप उसका साथ दो। एक बिल्कुल लेजी बंदे का साथ देना सिर्फ इस वजह से कि यार मुझे प्यार है इससे, वो कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, जो अपने लिए जो अपने आप को लेकर लॉयल नहीं है ऑनेस्ट नहीं है वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है। तो अगर आगे बढ़ने का है ना उसके अंदर तो वो आपको पाल भी लेगा आपके इसलिए सब कुछ कर लेगा, तो ये दो चीजों में फर्क आता है। लोग बोलते हैं कि जैसे ये गरीब है ना अब वो लेजी भी है लड़कियां, लेकिन साथ हैं कि नहीं वो पैसा क्यों देख के मैं छोड़ूं पैसा क्यों, भाई ये तो देखो कि वो आगे बढ़ने की वो रखता है हसल है उसके अंदर या नहीं है, बस ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है लड़कियों के लिए है कि लड़कियां लड़के ये चीजें लाजमी देखें, दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने वो क्लियर कर दिया, लड़कों के अंदर लड़कियां ये देखें, तुम ये कह रहे हो। हां बिल्कुल। और वैसे तुम लड़कों को क्या जेन्युइन एक एडवाइस देना चाहोगे? जाहिर है तुमने यार लड़कों का, तो मैं यही बोलूंगा लड़कों का, तुम बताओ। चलो लड़कों को तो मैं पहले तो मैं ये कहूंगी माय आंसर इज आल्सो सेम। लड़कों को मैं यही कहूंगी कि भाई अगर तुम सीरियस हो उसके साथ तो ही अपना रिलेशन आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि भाई टाइम पास के लिए भी कर रहे हैं, आगे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मतलब लड़की बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और आप तो कह रहे हो नहीं मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता, रिलेशन अगर आप कर रहे हो तो दोनों साइड से हर चीज होती है, सिर्फ ये नहीं है कि लड़की ही करे जा रही है हर चीज और लड़का बिल्कुल भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। तो भाई अगर आप ये सोच रखते हो, सबसे पहले तो मैं कहूंगी आप शादी की सोच रखो, किसी भी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप शादी की सोच रखो, और अगर नहीं रख कर सकते शादी है, अगर बाद में आपको ये पता चलता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी या कोई भी वजह आ सकती है तो फिर आप मत करो, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप सामने वाली लड़की का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये तुम बड़ी ही कहते ना गहरी हजीरा ने, तो अच्छा तुम आए थे सिर्फ ऐसे फ्लाई करते, हजीरा गई यूं एकदम गई ना, और नहीं एकदम ऊपर से फ्लाई करते गए कि बेटा सोचो अभी तो लैंडिंग कर रहा है मेरी तो फ्लाइट उड़ रही है अभी। नहीं ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है, और आई गेस रिलेशनशिप्स में और सबसे ज्यादा आजकल जो इतनी ज्यादा चीजें हर चीज खराब हो रही है ना, ज्यादातर लड़के लड़कियां आपस में जो इतना वो हो रहे हैं, सारी चीजों का प्रेशर इतना आ रहा है, आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं वो कहती है कोई बात नहीं
क्या हो गया हमारे साथ अगर ऐसा हो गया तो? और यार सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर दी है, इतना ज्यादा पब्लिक कर देते हैं फिर, और फिर आप अचानक आपको भाई फेकनेस इतनी ज्यादा है, मतलब एक लड़की अगर एक लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं और वो दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, और एक लड़का एक लड़के की मिसाल ले लो दिखा रहा है भाई वो बहुत अमीर है, ये वो लड़कियां उसने बहुत सारी बात कर रहा है, सारी दोस्त है, दो बार उनसे मिल लो तीसरी बार उनकी जेब में पैसे नहीं होते ऐसी इतनी मिसालें हैं यार। तो भाई ये मतलब सोशल मीडिया के टारगेट किया, हाँ ये मैंने टारगेट किया बिहारी तो ऐसे भाई ऐसे जो नीच लोग होते उनसे दूर रहे भाई, अपना देखें, कोई भी बंदा ना इस टाइम आप अपनी लाइफ देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, पूरी रात ना और सेल्फ मोटिवेशन वीडियो देख देख के आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो सकते। True. आपने सुबह उठना है, आपने काम करना है, चलो सुबह नहीं दोपहर में उठना है जो आपके काम का टाइम है उसका, हसल तो करनी है ना यार, बिल्कुल करना है भाई, बिल्कुल करना, चाहे लड़की हो लड़का हो, ये बात तो हसाई चाहिए, वो कौन बोलता है, आई गेस मेरे एक अच्छे जानने वाले बोलते हसल कर हसद मत करना, ये बात ना बड़ी अच्छी है। तो ये चीज है कि भाई हसल करने वाला अगर लड़का भी होगा लड़की भी होगी, तो मैं समझती हूँ फैमिली माने ना माने ये सब चीजें साइड पे जाती है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ लॉयल है ना तो वो सारी चीजें फिर खुद बहुत ओवरकम हो जाती है और सारी चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाती है दोनों को। और कहीं ऐसा नहीं होता कि लड़के की फैमिली नहीं मान रही और लड़का नहीं मना पा रहा, कहीं ऐसा नहीं होता, लड़के मना लेते हैं आराम। ये देखो हमजा हसीना की बात है, मना लिया ना, जभी तो कह रही है। लड़कों की कोई मजबूरी नहीं होती कि फैमिली नहीं मान रही, फैमिली को तो लेकर मतलब ये तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज है कि उसकी फैमिली नहीं मान रही है, ये कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़के मना लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, और लड़कियां भी मेरे हिसाब से लड़कियां भी मना लेती हैं, आज का वो दौर थोड़ी है यार, कोई एक्सक्यूज है कि भाई हमारी फैमिली नहीं मान रही है। आज के दौर में वैसे इतना मुश्किल होता भी नहीं है अगर आपको पता है कि दोनों यार स्टेबल हैं, अपनी साथ सारी चीजें कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं तो शादी कोई बुरी चीज तो नहीं है। कोई ये तो नहीं बोल रहा कि यार अम्मी या अब्बू मैं उसके साथ कुछ और मेरा हराम रिलेशन, नहीं भाई मैं तो हलाल करना चाह रहा हूँ ना, तो कोई क्यों नहीं मानेगा, मान जाते हैं यार। देखो वही बात है ना तुम्हारी, आजकल तुमने बोला लड़कियां भी और लड़के भी यही करेंगे यार, एक को फटाया दूसरा दूसरा तीसरा, ये जब यही वाली सोच रखोगे और यही चीजें दिखाओगे तो फैमिलीज मानने में तो जाहिर सोचेंगी ना यार कि हम कैसे माने इस चीज के लिए। तो भाई हजीरा और हमजा ने यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को इतनी मोटिवेशन दे दी ना शादी करने की, कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ मैं ये भी बोल दूं कि रिलेशन किसी का भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो चीज से जो भी बंदा गो थ्रू कर रहा होता ना वो फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो वो हमने शेयर किया बस। हाँ यार ये बात तो है, और अच्छा लगा होगा भाई ऑडियंस को, और लोग तो तुम्हें पता है सुनना यही चाह रहे हैं कि यार हमजा हजीरा या दूसरे कपल्स जो हैं क्या क्या उनके साथ ये हुआ है, उनके घर में क्या चल रहा है, कितने दुख भरे। अच्छा लोगों को वैसे मैंने एक चीज नोट की, लोगों को बड़ा इस चीज में इंटरेस्ट होता है दुख कितना है आपकी जिंदगी में, लोगों को दुख में क्यों इंटरेस्ट होता है, लोगों की लाइफ में ये भी हुआ था खुशी। मैं आपको 110% बोल रहा हूँ, आपके सर्कल में अगर 10 दोस्त हैं आप कुछ अचीव करना शुरू करो और खुश रहने लग जाओ अपनी लाइफ में, 10 में से आपके 5 वैसे ही कट जाएंगे, सिर्फ हसद के मारे वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे कि यार मुझे से मिलना ही नहीं है, मतलब वो कट जाएंगे आपसे, उनको अच्छा नहीं लगता। खुश कैसे भाई, खुश कैसे है लोग आजकल, लोगों के अंदर एक ये भी हो गया कि यार जितना सोशल मीडिया पे दुख दिखाओगे उतना और वैसे रियल लाइफ में दुख दिखाओगे बहुत हो गए भाई, अटेंशन सीकर्स बहुत हो गए, ये तो यार है, मतलब लोगों को बस ये कि अच्छा ये फलाना बंदा इसकी बातें कर रहा है फलाना बंदा उसकी बातें कर रहा है, आप अपना दुख बता दो बोलेगा जानी ये कुछ भी नहीं मेरा सुन, कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या, जरा हमारा वाला तो सुनो बताते हैं हमारे क्या कुछ भी नहीं है यार, नहीं दैट्स रियली ट्रू। और मैं यही नोट कर रही होती हूँ चीजों को देख के ना आजकल, देख के ये जब सोशल मीडिया खोलो जब जब इंस्टाग्राम खोलो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मैं तो यार क्या चल क्या रहा है, कभी एक बार किसी को देख के इंसान को ऐसा फील नहीं होता क्यों चल रहा है और इसको मैंने क्यों रखा है अपनी जिंदगी में, इसको कभी हमसे हजीर ऐसा फील हुआ है के किसी का इंस्टाग्राम खोला और स्क्रॉल कहती यार इसको मैं क्यों नहीं हटा सकती हाँ मतलब ये हुआ है ऐसा क्या मजबूरी है मेरी, ऐसे कुछ है दोस्त तुम्हारी लाइफ में, दोस्त ऐसे दोस्त भी या दोस्त तो नहीं कहेंगे फॉलोअर्स या फॉलोअर्स भी यार फर्क होता है, वाकई फॉलोअर्स में और दोस्तों में फर्क होता है, आपके पास इंस्टा पे या फेसबुक पे हर ऐड होने वाला हर बंदा दोस्त नहीं है आपका, सही है, और खास तौर पे मेरे हिसाब से तो जो दोस्त है वो भी दोस्त नहीं है आजकल तो, True. फेम के बहुत लोग हैं, मतलब आज उरुबा के लाख फॉलोवर्स हैं तो आसपास लोग आगे पीछे करेंगे, आपके रीचेस गिरना शुरू है आपके आसपास लोग नहीं करेंगे, चाहे वो आपका जितना भी अच्छा दोस्त होगा
वो आपको ना आपके लिए स्टोरी लगाएगा ना कोई पोस्ट लगाएगा, आपको बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। और वहीं आपके बराबर में कोई दूसरा होगा ना जो बिल्कुल अननोन होगा लेकिन उसके पास फेम बहुत होगा, हाँ। तो जानी तू ही है बस जो वही बंदा उसके लिए तू मेरे लिए ये है। ये तो यार बहुत ज्यादा अजीब सा एक ना लोगों के अंदर एक बड़ी अजीब चीज है, बहुत है ये फील्ड के अलावा भी अब रियल लाइफ में भी लोग ऐसे ही हो गए। हाँ, मतलब मगर देखो ना तुम दोनों के तो लोग नहीं भी होंगे ना, अब वो घूम रहे होंगे, मेरी मिसाल ले लो। जरूरत देख के डिसाइड करते हैं कि कब तक नरम लहजे में बात करनी है। अरे यार खुद ही अपने आप के मुंह कर दिया, रोस्ट कर दिया, मेरी मिसाल ले लो। नहीं नहीं यार मतलब चलो मैंने तो शो में बोला, जैसे वैसे भी लोग तुम्हारे रियल लाइफ में भी दोस्त वो जो पहले तुम लोगों को अटेंशन नहीं देते होंगे ना, अब वो तुम लोगों को बढ़िया अटेंशन दे रहे होंगे, लेकिन अब हम उनको नहीं देते। कुछ लोगों की लिस्ट में ऐसे नाम लिख लिए साइड पे कि इनको कभी वो वाली अटेंशन नहीं देनी है, कभी भी नहीं देनी। कुछ लोगों की क्या, तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए आई गेस। निकाह के बाद बहुत लोगों की असलियत सामने भी आई है। ओह ये मिर्च मसाला मिला है ना तुम्हें। नहीं बात की बहुत सारे दोस्तों की भी। तुम निकाह की बात करी, मुझे यूटी शो खोलने के बाद बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आई है यार। चीजें बनाने के बाद ना ज्यादा, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो शो हो, चाहे कुछ भी, मैंने दो चीजों में फर्क देखा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने जब अपना फोन से वाला काम शुरू किया था, प्रमोट कर नहीं रहा वैसे मैं बता कर ही दिया, मैंने जब अपना काम शुरू किया था तो तुम एक चीज नई बिल्कुल शुरू कर रही हो ना जीरो से, तुम्हारे अच्छे फॉलोवर्स वाले अच्छे जो होंगे लोग वो तुम्हें बहुत प्रमोट करेंगे। सही क्या रूबो चलो बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, मुझे लोगों ने बहुत किया। सही है, मेरा जो सबसे पहला पेज था, हाँ। पेज बंद हुआ उसमें और इसमें, हालांकि अब मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था सपोर्ट, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अब मैंने वो चीज नहीं देखी, क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को पता था यार ये तो अचीव किया हुआ है इसने, है ना, इसको तो हो जाएगा, किया हुआ है वैसे ही, और इसको क्यों दे, इसको क्यों दे, इसको क्यों दे, अब तो वो इतना फेमस है, अब क्यों करें इसके लिए। आप अपनी दोस्ती भी तो शो कर सकते हो ना ऐसे, कि मतलब अब आपका दोस्त है, आपका एक अच्छा दोस्त आपके लिए जरूर एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करेगा आपकी चीज में, और दोस्तों को कहा नहीं जाता, वो खुद करते, वो खुद करेंगे, जाहिर सी बात है, ये हकीकत है। अगर आप किसी को कह रहे हो तो फिर फायदा ही क्या वो दोस्ती का, बार बार कह रहे हो, मैं नहीं कहती, बार बार कह रहे हो, मैं नहीं कहती हर किसी को, ये मेरे अंदर बड़ा एक अजीब सी एक ईगो को ले लो, जो भी बात ले लो, मुझे बड़ा अजीब लगता है किसी को मैसेज करके यार ये शेयर कर देना, ये कर देना, बिल्कुल पहले किया करती थी, शुरू में क्यों मना करे भाई, शुरू में तो सभी करते थे, अब इसलिए नहीं करती कि यार अगर तुम मेरे दोस्त हो तुम मेरी देख रहे हो, और लोग ऐसे मैं बोलती हूँ इतने कमीने हैं ना, मतलब देखते हैं अननोन आपके लिए बहुत अच्छा आपका रिएक्टर बना हुआ है, आपके हर चीज पे रिएक्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपके दोस्त घोस्ट बन के घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे, घोस्ट बन के घूम रहे हैं, और भी लोग देखते हैं, आप स्टोरी देख रहे हो लेकिन आप पोस्ट लाइक नहीं कर रहे। अरे स्टोरी पोस्ट, अब चलो वो लाइक ही छोड़ो भाई, लोग इतने अजीब। अच्छा आप यूट्यूब तुम खोल लो जाके, भाई मैं अपनी अक्सर सबसे पूछती हूँ, क्योंकि यार तुम्हारे उस एपिसोड में तुमने ये कहा था, और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके 90% दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। Exactly, कभी चेक कर लेना, देखते हैं लेकिन देखेंगे। और ये इतनी अजीब बात, मुझे किसी रिलेटिव ने मेरे ना किसी दिन मैसेज करके बोला, यार वो मेरी दोस्त बता रही थी तुम्हारे फलाना ब्लॉग में तुमने फलाना कलर का कपड़ा पहना हुआ था, और वो तुमने ऐसी बात की थी, ये किया था। मैंने कहा यार हमने देखा है और पूरा पूरा चीजें देखते हैं और रख लेते हैं। अच्छा अच्छा याद और, रखते और हाँ याद रखते हैं। अभी भी तुमने जो बातें कही है ना लोगों को होगा अच्छी बात रखे भाई, हम तो चाहता हूँ लोग। नहीं यार अगर कोई इतना अच्छा हो तो फिर आप उसके बारे में बुराई करोगे क्यों, और कोई इतना बुरा है तो आप, कोई बहुत बुरा है उसके बारे में बुराई करके क्या मिलेगा, कोई बहुत अच्छा है तो उसके बारे में अच्छाई करके क्या ही मिलेगा। मिडवे में चलते अच्छा यार हजीरा और हमजा, अच्छा एक सेकंड, हजीरा और हमजा मैंने ऐसे देखा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हजीरा बोल ले आप, हजीरा लेकिन मैंने बोला कैसे, आपने चेक किया हजीरा और हमजा, ये अच्छा था, ये नाइस। नहीं यार मैं तो तुम लोगों को कहूंगी इंशाल्लाह और माशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह खुश रहो और माशाल्लाह तुम लोग खुश लग रहे हो, और अच्छी बात है यार। ऐसे ही दो तीन कपल्स मैंने देखा है जो निकाह के बाद मुझे जेन्युइनली बहुत खुश दिखे हैं, और जिनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मतलब जब मैंने आपके निकाह की पिक्चर्स देखी है ना, आई वाज लाइक
चलो अच्छा, कुछ लोग को देख के लोग नहीं बोलते हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नहीं बोलते, मैं मेरे दिल से निकला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार, अच्छी बात है। तुम लोगों ने देखा है ना मैं शुरू से साथ में। एग्जैक्टली, और वो इतनी खुशी, मतलब भाई ऐसे सब मुझे आमना बोलती कहती यार हजीरा आप ही, मैं इतना खुश हूँ, खुश भी होना चाहिए अगर जेन्युइनली आप किसी के लिए खुश हो। तीन चार जैसे हमना हो गई, समोसी हमना है, तानिया है, तुम लोग हो, तुम लोग को देख के इतनी खुशी मिलती है ना, मैं कहती यार माशाल्लाह बस तुम लोग भी इंशाल्लाह तुम भी कर लो हमें भी खुश होने का मौका दो यार, बस दुआ करो तुम दोनों दुआ करोगे तो फिर तो जरूर होगी ना। हाँ तो यार मैं तुम दोनों को कहती दुआ करो यार मेरे लिए भी कि जल्दी हो जाए भाई, अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है लोगों को खुश देख कर, तुम दोनों को देख के तो लगता है यार। हाँ दुआ, अब आपके लिए तो दुआएं दुआएं है ना यार, हम दोनों का इस लेवल पे जाके जो माइंड मिलते हैं ना, मैं कहती हूँ लेकिन मुझे इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा से पहले हमजा आई थिंक हम मिले हैं ना, मतलब तुम आए थे काम से, तो मैंने इसको बोला था कि यार बस अब हो रहा है रिकॉर्ड, चलो अच्छी बात है माशाल्लाह, खुशी हो रही है सुन के सोच के, और जब पिक्चर्स देखे और तुम लोग जब वायरल हुए थे वो वीडियो के साथ वो गन वाली, मैंने कहा यार अच्छा उस पे तुम लोगों को नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत मिले होंगे। हां नेगेटिव मिले थे काफी पेजेस पे, पीपल ऑफ पाकिस्तान और पता नहीं का डीवा मैगजीन पे हर जगह आ गया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं भाई के गन रख के थोड़ी शादी करवाई जाती है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मतलब ये फोर्स मैरिज को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती दिखा कर फोर्स मैरिज को प्रमोट कर रहे हो। तुम लोगों ने स्ट्रोल को कैसे लिया होगा, मतलब क्या किया यार, हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है। अगर देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो कि कुछ लोगों ने ये वाले कमेंट किए कि अगर यही पिस्टल लड़के के हाथ में होते और लड़की साइन कर रही होती तो आज ये सिचुएशन कुछ और होती, जिसको आज लोग मजाक में ले रहे हैं। तो आप बाकी अगर ये सिचुएशन रखो कि मैं निकाह के पेपर्स हूं और मैंने इसके ऊपर पिस्टल रखी हुई है, एक नॉर्मल बंदा भी उस चीज को नेगेटिव वे में ले लेगा कि यार ये कुछ भी था, इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, ये चीज इनडायरेक्टली प्रमोट हो रही है, तो वो वैसे लड़के के ऊपर भी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं यार जो लड़के को लेकर फनी में आती है यार, भाई देखो, अब जैसे मैं एक बोलता हूँ कि जैसे लतीफे बनते हैं, इतने सारे लतीफे ऐसे बनते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि जो हस्बैंड है वो डरता है अपनी वाइफ से, ये सारे फनी है ना, ये सारी चीजें जोक्स है, सही है। लेकिन जहां बात ये आ जाए कि वाइफ डरती है हस्बैंड से, तो वो चीज लोग नेगेटिव उसमें ले लेते हैं कि यार डरती क्यों है, मजाक की भी एक वो होती है ना, एक कुछ चीजें लड़कों के ऊपर रखी जाए तो वो मजाक है, लड़की के ऊपर रखी जाए तो वो मजाक नहीं है। ये लोगों की सोच होती है, कहते हैं ना आप कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और बोलने दो यार, और लोग और हम लोग ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स इतने नहीं आते, हमारे पास जितने आते हैं पॉजिटिव आते हैं, और हम लोग यही देखते हैं यार ऑडियंस बहुत, तो अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो हम यार आने भी दो ना, देखो नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो तुम्हारी पॉजिटिविटी कैसे बाहर आएगी। ओ माय गॉड, ये तो मेरी बड़ी अच्छी बात है, क्या बात कर दी, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा गाइस, मैंने इतनी अच्छी बात कैसे कर दी, कम कम करती है ना, कम कम करती हो ना तुम्हारी तरह सेम नहीं यार वाकई ये तो तुम लोगों को छोड़ ही दो भाई, इनके नेगेटिव कमेंट्स ही तो तुम लोग वायरल हुए, और अच्छी बात है यार, अब हम जीरा व्लॉग्स हर जगह लोग तुम लोगों को पहचानते होंगे, पूछते होंगे अरे हाँ भाई सैनिटरी की दुकान में लड़का आ गया हमजा भाई हमजा भाई मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको, मेरे लिए दुकान तो दे कौन सी दुकान, कौन सा बाहरी चल के मिल लेता हूँ बहुत लोग मिलते हैं आते हैं पिक्चर्स देते हैं, बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता होगा ना, मजा आता होगा, अब अच्छा लगता होगा, जब लोग नहीं भी जानते थे तब भी अच्छा लगता था। मैंने इस चीज को कभी भी अपने ना सर पे सवार नहीं किया कि मुझे पता है, हाँ मैंने हमेशा अपने काम को ज्यादा प्रेफर किया, इस चीज को मैंने साइड पे रखा है, मैंने कहा मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, जो लोग यही सोचते हैं प्रोफेशन नहीं है ये मेरा, फेम हमें फेम गेन करना हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, जिस दिन प्रोफेशन बन जाएगा उस दिन हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी कि भाई आज इतने कमेंट्स आए कल इतने क्यों नहीं आए थे। बाकी मैंने लोगों को देखा है आजकल बहुत सारे अपने सर्कल में भी हैं कि पागल हुए हुए होते हैं, कहते हैं बस हमें इससे आगे निकलना है, ये कैसे आगे जाना यार वो अच्छा कहीं ना कहीं ये डेली रेस है, ये एक रेस है यार, कहीं ना कहीं वो भी तो एक रेस और हसल में ही है ना, उनको भी हम क्या ही कहें, हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी अलग होती है, हां सबकी जर्नी अलग होती है, अब उनकी ये हसल है, उनको पैसा इससे कमाना है और उनके लिए हां जिसको पैसा इससे कमाना है उसको देखो अपने फेस से और अपने टैलेंट से, मैं बोलता हूं टैलेंट वाला तो चलो जिंदगी भर कमा लेगा अपने टैलेंट से, बिल्कुल फेस वाले जो है ना वो डर है उनके लिए है ये जिस दिन लोगों ने देखना बंद कर दिया ना उस दिन उनके लिए मसला हो तो जाएगा। ये तो है, न्यू फेसेस आते हैं पुरानों को ही न्यू फेसेस आएंगे पुरानों को भी जाएंगे, न्यू आ रहे हैं यार, और इतने न्यू फेसेस, कल एक साल पहले दो साल पहले एक बंदी फेमस थी,
दो साल के अंदर तीन और आ गई. Exactly. फिर वो तीन और भी साल के अंदर ही चली गई और आ गई कि आप इस साइड इस चीज पे आ जाओ और आपको आपको फेम मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. ये और लोग जानबूझ के वायरल भी तो करते हैं ऐसी चीजें और वो देख के फिर लगता है कि और अच्छा वायरल तो हो गई, क्रिंज देखते भी तो हम ही है, हम ही तो सपोर्ट कर रहे हैं क्रिंज को. हम बोल फेसबुक पर हमें लोग शेयर कर रहे होते हैं क्रिंज, शेयर कर करके लिख रहे होते ये क्या है, अरे कितनी भी मैंने देखा तुम भी देखो कितनी दफा ऐसी भी. जब मैंने रिसेंटली कुछ शेयर किया था आई गेस हजीरा ने उस पे कमेंट किया था अस्तगफुरुल्लाह या कुछ किया था, अब वो मुझे देख के इतना क्रिंज वीडियो मतलब मुझे भी वो मुझे देख के ना हंसी आ गई. कवर कवर वाली जो थी ना लव स्टोरी जो पूरी उन्होंने वो की ना, मुझे उस पे रोना है ना मुझे उस पे हंसी आई. मैं ऐसे थी, मैं भी यूं देख रही थी मतलब क्या चल रहा है, ऐसे थी कि क्या चल रहा है. मैं थोड़ी देर के लिए हो गई कि अब मैंने देखा है तो तुम लोग भी देखो. मैंने क्या देखा, तुम लोग भी देखो. है इसी के साथ हम अपनी बातें यार मेरा तो दिल चाह रहा है हजीरा और हमजा के साथ खूब और बातें करूं क्योंकि यार देखो एक तो बिहारी ठीक है ऊपर से यार वैसी अच्छी अच्छी बातें हो रही है और तुम लोग पॉजिटिव जो कभी नहीं हो. अभी शो के बाद ही अलग बातें होंगी, शो के बाद तो बहुत अलग बातें होंगी भाई. नहीं करनी अलग बातें, हर किसी के साथ क्यों अलग बातें करें. सही बात है भाई, कोई नई अलग बातें मतलब हर किसी के साथ बने रहेंगे. हर किसी के साथ मसाला लेके आए, क्यों लेकर आए, नहीं लेकर आ रहे. कुछ लोगों के साथ चीनी भी अच्छी लगती है. सही बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है. ये अपनी अपनी बातों को ना नीचे हाईलाइट करके क्लिप्स बनाएगी कि रूबा ने ये क्या बात कर दी. फिर देख पाएगा कि हमजा और हजीरा. अरे हाँ ये तो मैं कैसे भूल गई, तो मुझे एक देना है सेगमेंट अपना. क्या कभी लड़ाई नहीं हुई हमजा और हजीरा की, हमजा और हजीरा के बीच में हो गई लड़ाई, हमजा हो गया हजीरा से नाराज. ऐसे यार नाराज कम होता है, ये भी नहीं हो रहा यार. क्या है वो नाराज नहीं होती, तुम नाराज नहीं होते. मैं नाराज होता हूँ तो ये चुप हो जाती है. अच्छा होता है, मैं नाराज जो होता हूँ ना मैं हाइपर हो जाता हूँ. सही है, या तो मैं हाइपर होऊंगा. मसला तुम्हारा नहीं है, मसला दिमाग का मसला है. तो हाँ ये तो मैं हाइपर होऊंगा लेकिन बहुत इंस्टेंट होता है, मतलब फॉरम फॉरम में सही हो जाता है. इंस्टेंट तो होता है वो, गुस्सा तो ठीक हो जाएगा लेकिन मूड खराब रहेगा. अब वो मनाते रहो कि भाई मूड ठीक कर लो, मूड ठीक कर लो. नहीं वो भी कोई बहुत बड़ी चीज होगी तब. बस देखा ये तो तुमने मूड खराब रहता है, दिल को तुमने एकदम से चीरा है कि अच्छा उस बात क्यों से निकला यार, ठीक से बात करो. हाँ ठीक से ही तो बात कर रहा हूँ, हार्ट बना देगा आगे. और हाँ ठीक ही तो हूँ, क्या हो गया अपना बताओ, अपना बताओ. मैं कुछ नहीं करती, रिप्लाई करना बंद कर देगी नाराजगी में. यार ये कौन करता है, अब मैं आगे करती हैं लड़कियां यार रिप्लाई ना करना. मतलब मुझे एक मुझे ऐसा बंदा जो इस चीज को ऐसा लगता है पर्सनल, क्या हो गया यार. जब लड़कियां जेन्युइनली नाराज होती है ना तो आपको सीन जोन करती हैं, ये हमेशा याद रखना. जब उनकी हट जाती है वो आपको सीन जोन करती हैं, वो रिप्लाई करना बंद कर देती हैं. खैर ऐसा भी हम लोगों के बीच में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है. लेकिन होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए. मैं होने नहीं देती इसको नाराज. यार लड़ाई लड़ाई झगड़ों से हां बंदा और ज्यादा क्लोज होता है और ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है. ये बात तो है, ये तो है. चमाट मारूंगा. नहीं अभी लड़ाई हो चुकी है तुमने लोगों से पहले. हाथापाई अभी हाथापाई लड़ाई नहीं होती, हमारा ये होता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हूँ लेकिन और उसी टाइम मान जाती हूँ. ऐसा अच्छा होता है यार. We girls are so sensitive and so sweet. Easy to handle. Sweetness तुम्हारे अंदर ऐसे 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 भरी है ना, ऐसे ऐसे भर दिए तो हम यूं मान जाते हैं. और हम जब लाइक अच्छा ठीक है और लोग सोच रहे होंगे पीछे यहाँ बैठे हुए अच्छा ठीक है. तुम्हारे कैमरे के पीछे बैठी बंदी यू यू कर रही है, तौबा तौबा. कौन कौन कर रही है कर रही है कर रही है तीनों में तो एक ही. अरे सेकेंड, अगर किसी ने ऐसा किया भी है ना, लड़का होकर भी है, तो अपनी बंदियों को खुश रखा करो ना. सही बात है, अच्छी बात है ना, अपनी बंदियों को खुश रखा करो ना. क्यों ऐसे ऐसे करने की नौबत आ रही है यार. लड़कियां बड़ी स्वीट एंड सेंसिटिव होती है हमजा, इससे मुझे हजीरा से बहुत ज्यादा उनसियत हो गई. आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म. सही है हजीरा से दोस्ती नहीं यार. माशाल्लाह अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे और तरक्की दे, स्पेशली हमजीरा व्लॉग्स को. गाइज सब्सक्राइब करो यार, मैं पहला चैनल है जिसको मेरे को जनरली दिल से बोला है अपने शो पे भाई सब्सक्राइब करो. और अच्छी बात है, और तुमने अपना ब्रांड भी स्टार्ट किया है. yes. मैंने खुद कर दिया प्लग इन, तुम क्या yes. करोगे. इंस्टाग्राम पे और बस यार इसी तरह इन दोनों को तरक्की दे अल्लाह. और जाहिर सी बात है, और तुम लोग का नसीब एक साथ जुड़ा है तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. और देखते रहिएगा दी यू टी Show! Basically,
साथ भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलूंगी, अब मेरी बस हो गई है क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है, अब रुक नहीं रहा। तो तब क्या क्या कहते हैं हम, वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। तुम लोग भी बोल दो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना यूट्यूब शो को सीधे हाथ से। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूटी शो को। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।